सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज असी जमात 11वीं दा पाठ पहले दी दोहराई करांगे। पाठ दा नाम है 10वीं जमात दी दोहराई। सब तो पहला छोटे प्रश्न उत्तर। सब तो पहला प्रश्न है बेटे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अते सिस्टम सॉफ्टवेयर विच की अंतर हुंदा है। प्यारे बच्चों, जिवें कि तुसी जानते हो, सॉफ्टवेयर दीआं दो किस्मां हुंदीआं हन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अते सिस्टम सॉफ्टवेयर। आओ हुण देखदे हां कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अते सिस्टम सॉफ्टवेयर विच की अंतर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखण लई घट पदरी यानी लो लैवल भाषा वरती जाती है, जदों कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखण लई उच्च पदरी भाषा की वरतो हुंदी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बिना सिस्टम नहीं चल सकता। प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली गल है, जेकर तुहाडे सिस्टम दे विच सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो तुहाडा सिस्टम चलेगा ही नहीं, जदों कि बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे सिस्टम हमेशा चलता रहता है। इसका भाव यह है कि सिस्टम नूं चलाउण लई सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उदो चलता है जो सिस्टम नूं शुरू किया जाता है, अते सिस्टम दे बंद होने नाल ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बंद हुंदा है। जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपभोक्ता यानी कि यूजर की बेनती के अनुसार चलता है। जेकर तुसी चाहते हो MS Paint नूं चलाना, तुसी MS Paint चलाते हो। यह तुहाडी मर्जी ते डिपेंड करता है कि तुसी केड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की उदाहरण है बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम आदि। अते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उदाहरण देखो जिवें कि फोटोशॉप, MS Paint, VLC प्लेयर आदि। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नालों गुंजलदार होंदी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुकाबले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सौखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Access नूं रिलेशनल डाटाबेस क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों, तुसी MS Access बारे 9वीं अते 10वीं जमात विच पढ़िया है। एक रिलेशनल डाटाबेस एक डाटाबेस का हवाला दिंदा है जो रोज अते कॉलम्स की वरतों करदियां एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट विच डाटा स्टोर करता है। इस नाल डाटाबेस के अंदर खास कीमतों का पता लगाना अते इस तक पहुंच करनी सौखी हो जाती है। यह रिलेशनल है क्योंकि हर एक टेबल के अंदर मूल एक दूजे नाल संबंधित होंदे हन। टेबल होर टेबलां नाल भी संबंधित हो सकते हैं। प्यारे बच्चे, असी रिलेशन्स पढ़े हैं 1-to-1, 1-to-many अते many-to-many। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अते काउंट इफ एक्सेल फंक्शंस विच की अंतर है? MS Excel दे विच इफ अते काउंट इफ दोनों ही वरते जाते हैं। आओ देखिए इन्हां विच अंतर की है। काउंट इफ उन्हां चीजां दी गिनती करता है जो कुछ मापदंडां नूं पूरे करते हैं। इफ फंक्शन फैसले लेन विच एक स्प्रेडशीट दी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सही प्रोग्राम बनाउण लई केड़े केड़े पड़ाव हुंदे हन? सब तो पहला पड़ाव देखो बेटे, समस्या का विश्लेषण करना यानी एनालिसिस करना। समाधान का विकास, समाधान की कोडिंग, प्रोग्राम नू टेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML विच टैग्स का की महत्व है? प्यारे बच्चे, तुसी जानते हो HTML की प्रोग्रामिंग टैग्स तो बगैर की ही नहीं जा सकती। एक HTML टैग एक खास शब्द या अक्षर हुंदा है जिस दे दुआले एंगुलर ब्रैकेट हुंदे हन। तुसी HTML एलिमेंट बनाउण लई टैग दी वरतों करदे हो जिवें कि पैराग्राफ या लिंक टैग। छोटे प्रश्नोत्तरां तों बाद खाली थावां भरो।
में लिखा लिखा है www दा महत्वपूर्ण डैश दस्तावेज हुंदा है। इसका उत्तर है वेब पेज। प्यारे बच्चों www दा पूरा नाम की है वर्ल्ड वाइड वेब। वेरी गुड। सेकंड खाली थां देखो कॉलम 27 अते रो 3 दा एड्रेस की होवेगा। बच्चों एमएस एक्सेल विच कॉलम्स नू अल्फाबेट्स यानी अंग्रेजी दे अक्षरां नाल दर्शाया जांदा है। अल्फाबेट्स किन्ने हुंदे हन? वेरी गुड, 26 अल्फाबेट्स हुंदे हन। अते लास्ट अल्फाबेट हुंदा है जेड। 26th कॉलम तो बाद जेड़ा कि जेड कॉलम है तुहाडा 27th कॉलम दा नाम होवेगा AA। 26th यानी जेड कॉलम तो बाद दोहरे अक्षरां नाल दोहरे अल्फाबेट्स नाल कॉलम नू रिप्रेजेंट किया जाता है। अते रोज तुसी जानते हो अंकां नाल रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसलिए कॉलम 27 अते रो 30 दा एड्रेस AA 30 होवेगा, क्योंकि कॉलम्स पहले लिखे जाते हैं अते रोज बाद विच लिखियां जांदियां हन। नेक्स्ट खाली था फॉर्म नू बनाउण दा आसान तरीका डैश हुंदा है। इसका सही उत्तर है विजार्ड डिजाइन। वेरी गुड। फ्लो चार्टिंग प्रोग्राम डिवेलपमेंट साइकिल दे डैश पड़ाव विच हुंदा है। इसका उत्तर है डिवेलपिंग अ सॉल्यूशन। पंजवी खाली था एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर दी श्रेणी नाल संबंधित है। इसका सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। खाली थानों तो बाद सही जा गलत। सब तो पहला स्टेटमेंट जिहड़ी तुहाडे सामने आ रही है HTML दे टैग्स करली ब्रेसेस यानी करली ब्रैकेट्स नाल समाप्त हुंदे हन, यह गलत है। प्यारे बच्चों HTML दे टैग्स एंगुलर ब्रैकेट्स, देखो तस्वीर विच तुसी देख सकते हो इस तरह दी ब्रैकेट्स नू एंगुलर ब्रैकेट्स कहा जांदा है, उस नाल समाप्त हुंदे हन। सेकंड सही गलत, जेकर तुसी एक्सेल विच किसी सेल विच 12+24 टाइप करदे हो तां ओह सेल विच 12+24 ही दर्शावेगा, भाव ओह जोड़ नहीं करेगा। प्यारे बच्चों इसका कारण की है? क्योंकि असी इस फॉर्मूले दे अगे बराबर दा निशान नहीं लगाया, इसलिए ओह जोड़ नहीं ना करदे हुए सिर्फ इन्हां अंकां नूं बिल्कुल इसे तरह दर्शावेगा। तीसरी खाली था कोई भी फॉर्म बनाउण तो पहला टेबल बनाउणा जरूरी है, यह बिल्कुल सही है। किसी समस्या का परत करन लई आउटपुट जरूरी नहीं है। प्यारे बच्चों जेकर असी आउटपुट देखांगे ही नहीं तो सानू समस्या पता किवें लगेगी अते असी उस समस्या नू ठीक किवें करांगे, इसलिए यह गलत है। किसी समस्या दी परख करने लिए आउटपुट जरूरी हुंदी है। पंजवी सही गलत, एक्सेल विच फॉर्मूला लई 5 तरह दे गणित ऑपरेटर इस्तेमाल किते जा सकते हैं, यह सही है। प्यारे बच्चों मैनू उम्मीद है कि तुसी इस दोराई दे लेक्चर नू बहुत ही ध्यान नाल सुनिया होवेगा अते चंगी तरह दोराई करन लई एक बार दोबारा तुसी इस लेक्चर नू सुन सकते हो। थैंक यू सो मच।